आज से 2 साल पहले की बात है कि रोहतास जिला के सिसागर प्रखंड के ग्राम बड्डी में 15 अगस्त 2013 को एक इशू वीडियो बनाए थे, जिसका मुद्दा था कि वहां के गैर दलितों ने रविदास मंदिर के परिसर में शहीद निशान सिंह को स्मारक बनाने के लिए झंडा को गाड़ दिए। वहां के दलितों ने मना किया तो उनको मारपीट भी किए। ये लोग झंडा तुलन करते हैं स्कूल के ग्राउंड में, लेकिन यहाँ हमारे जमीन पर जबरदस्ती दूसरा झंडा तुलन करते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि निशान सिंह का जमीन है और निशान सिंह का रहेगा। हम लोग झंडा को रोक रहे कि नहीं फहराने देंगे, यहाँ तुलन नहीं करने देंगे। इन लोगों ने जुट कर गोली स्टार्ट कर दिया है, कम से कम 10 फायरिंग किया है। कुछ लोग घर में घुस गए हैं, यहाँ जो है झोपड़ी फूंक दिया। इसमें हमारा 6 आदमी सीरियस है और 1 आदमी डेड कर गया है। दोनों तरफ से लाठी चल रहा था, वो लोग बीस कर गए, बाहर पीछे हट गए। और जो मंदिर में जो बूढ़े लोग थे, औरत लड़का सब पकड़ा गया। घर में समा समा के मारा है हम लोग के, औरत के लेकर के, हम औरत से इसमें किया था सब कपड़ा पैसा। देखिए हम लोग साइड साइड के इसमें टांग दिया है, इसमें सब खूंटा खूंटी है, इसमें टांग दिया है, ये सब हम लोग के जरा दीजिए। बूढ़ा पीढ़ी भी भर्ती भी है। और इसको बदलाव हेतु हमने कम्युनिटी के लोगों से मीटिंग किया। उस मीटिंग करने के दरमियान वहाँ पे फिर स्क्रीनिंग भी किया गया था। उसके बाद हमने डीएम से भी बातचीत किया था कि इसमें कब तक इन लोगों को मुआवजा मिलेगा, तो डीएम साहब ने आश्वासन भी दिए थे कि 1 और 2 महीने के अंदर मिल जाएगा, और ठीक सभी लोगों को मुआवजा मिला। मतलब साल भर हो गया हम लोग के झगड़ा हुआ 15 अगस्त के, अब हम लोग के मतलब झगड़ा उगड़ा के अथी में घायल उल हुए थे हम लोग, तो हम लोग के मुआवजा मिला था। कितना मुआवजा मिला है? 60,000। किसके माध्यम से? उसमें अमरजीत आए सदोखर के, तो हम लोग के वीडियो वीडियो कैमरा वगैरह मैंने अथी करे हुआ, तो उसी आधार पर मतलब हम लोग के मुआवजा उवजा मिला। घर लग रहे गोड़ में, पीठ को लग रहे। आप लोग इलाज किया है? उसका मुआवजा उवजा मिला था आप लोग को? मिला रहे 60,000। इसमें कितने लोगों को चोट आया था? 54 आदमी चोट आया था। तो सबको मुआवजा उवजा मिला? सबको मिला है, 60,000 मिला है। अभी वो केस की क्या स्थिति? केस की स्थिति यही है कि जो है उन लोग बेल उल करा लिया, अभी केस दबा हुआ है। केस हम लोग चाहते हैं कि केस को जारी रखा जाए। मैं इस वीडियो को बदलाव लाने के हेतु हमारे गांव के वहां के कम्युनिटी के लोगों ने काफ़ी मदद की है इसमें, इसलिए उन लोगों को भी हमने कम्युनिटी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो वीडियो वॉलंटियर्स के जो भी साथीगण है जो इस वीडियो को बनाकर इंडिया है ना हर्ड पर डाले, और वहां पे भी जो भी साथी लोग फ़ोन करके बदलाव लाए हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अमरजीत कुमार, ग्राम परिषदोखर, थाना चेनारी, जिला रोहतास, राज्य बिहार, इंडिया अनहर्ड के लिए।